अगली खबर में बात करते हैं डिंडौरी की, जहां मध्य प्रदेश पटवारी संघ के जबलपुर संभाग अध्यक्ष जितेंद्र बैरागी ने आज सहपुरा पहुंचकर हड़ताल कर रहे पटवारियों को पूरे संभाग का समर्थन दिया और अधिकारियों के तानाशाही के खिलाफ आंदोलन को और उग्र रूप देने की चेतावनी दी। तहसील सहपुरा जिला डिंडौरी के पटवारी विगत दिनों से सहपुरा SDM पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाकर हड़ताल पर चले गए। पटवारियों के लगातार चल रहे हड़ताल से किसानों और आम जन को समस्या होने लगी है। तहसील कार्यालय वर्तमान में सूना पड़ा है, जिस कारण अधिकतर किसान अपनी समस्या को लेकर तहसील के चक्कर काट रहे हैं और संबंधित अधिकारी समस्या को समाधान करने के मूड में नहीं है। आखिर कब तक चलेगी हड़ताल? शासन प्रशासन को चाहिए कि आगे आकर हड़ताल को तत्काल समाप्त करवाएं, जिससे किसानों को राहत मिल सके। मैं जितेंद्र बैरागी संभागीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हूँ और जबलपुर संभाग में मेरे प्रभार पे है। यहाँ पर डिंडौरी जिले के अंतर्गत सहपुरा तहसील में पटवारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सूचना मुझे कल प्राप्त हुई। ये पटवारी यहाँ पर जो हड़ताल पर गए हैं, ये शुक्रवार से गए हैं। ये पटवारियों पर के द्वारा हड़ताल पर जाने का मुख्य कारण यहाँ के जो सहपुरा तहसील के जो अधिकारी हैं, खास तौर पे SDM महोदया जो यहाँ की हैं काजल जी चावला, उनके द्वारा हमारे पटवारियों से को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें उनके साथ अमानवीय बर्ताव किया जाता है, उन्हें अमर्यादित शब्दों का उनसे प्रयोग कर बात की जाती है, जो कि पटवारी एक शासकीय कर्मचारी की मर्यादा के विपरीत है। इन सारी बातों को लेकर पटवारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का मन बनाया गया है और उसी के तारतम्य सारे पटवारी हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आज हम लोग यहाँ पर आए और पटवारियों द्वारा अपना पूरा बस्ता KGO कार्यालय में जमा कराया गया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल अभी चलती रहेगी जब तक सारे पटवारियों की मांगों का निराकरण नहीं हो जाता। पटवारियों से यहाँ पर शासकीय अवकाश के दिन भी कार्य लिया जाता है। शासकीय अवकाश के दिन अनावश्यक रूप से उनसे मीटिंग या कोई भी बहाने से उनसे कार्य लिया जा रहा है, जो कि गलत है। जबकि शासन द्वारा स्वयं शासकीय कार्यालयों को खुलने का के दिन 5 दिन निर्धारित किए गए हैं, उसके बाद भी पटवारियों से शासकीय अवकाशों के दिन कार्य लिया जा रहा है। इन सारी बातों को लेकर और भी अन्य कई सारी बातें हैं जो कि धीरे धीरे आप लोगों के संज्ञान में आएंगी। इन सारी बातों को लेकर पटवारी हमारे हर निश्चित हड़ताल में प्रमुख मांग क्या है आपकी समस्या के हल के लिए? हम लोगों की मुख्य मांग यह है, हमारे सहपुरा के पटवारियों की मुख्य मांग यह है कि जो यहाँ पर SDM महोदया है, उनके द्वारा पटवारियों से मर्यादित स्वर में बात की जाए। दूसरी बात, कार्यालय दिवसों में ही कार्य लिया जाए और शासकीय अवकाशों के दिन कोई प्रकार का कार्य न लिया जाए। अगर इन सारी मांगों का निराकरण नहीं होता तो हम लोग या हमारे पटवारी साथी जो भी हैं अपनी हड़ताल पर अड़िग रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो जिले के साथ संभाग और संभाग के साथ पूरा प्रदेश सहपुरा के पटवारियों के साथ आएगा। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662
359974 पर या फिर संपर्क करें 860-288-5990 पर।